किसी किले की दीवार पर अगर अपना कोई एक निशान आपने ठोका है और आप ये सोचते हैं कि सारे राजपुताना पर आपने कब्जा कर लिया है, तो ये महज आपका एक ख्वाब है। जब तक मेवाड़ में कुमार प्रताप है, तब तक आप राजपुताने पर कब्जा नहीं कर सकते। ये जो आपने निशाने मुगलिया बनाने का ख्वाब बनाया है आपने, ये आपके निशाने मुगलिया को कुमार प्रताप जलाकर राख कर देगा। ये आप क्या कर रहे हैं जलाल? जिन रियासतों को आपने तलवार के जोर पर सर किया है, उन्हीं के निशान आग में झोंक रहे हैं क्यों? ये तो आपके इनामात हैं, जिन पर कोई भी शहंशाह ताउम्र फख्र कर सकता है। अरे अरे, आपने ग्वालियर का निशान भी फेंक दिया आग में। शहंशाह, आपको याद है जब हमने ग्वालियर फतेह किया था तो आपको कितना फख्र महसूस हो रहा था, कितने खुश थे आप, याद है? खान बाबा, जब तक हम मेवाड़ को फतेह नहीं कर लेते, हमारी हर फतेह बेमानी है। वो दो कौड़ी का हाजी खान, जिसका एक पैर हमारे बनाए हुए कैद खाने में है और दूसरा पैर कब्र में है, वही दो कौड़ी का हाजी खान हमें कहता है खान बाबा की प्रताप हमारी अजमत को जलाकर खाक कर देगा। अरे अरे, कोई है यहाँ? कोई है? सुनो, जाओ फौरन शहंशाह के लिए गुलाब का शरबत लेकर आओ। खान बाबा, हम यहाँ चुपचाप बैठकर शरबत नहीं पी सकते। हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि जैसे हमने दूसरी तमाम रियासतों को फतेह किया है, वैसे ही हम मेवाड़ को भी फतेह कर सकते हैं। हम इसी वक्त मेवाड़ की ओर कूच करें। बहुत हो गया ये रियासती खेल। अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शमशीर बोलेगी। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जलाल। समझ गए हम, आपको हमारी बाजुए कुव्वत पर यकीन नहीं है। क्या कहा? हमें आपके बाजुए कुव्वत पर यकीन नहीं? जलाल, अगर परवरदिगार के बाद हमें किसी की जात पर यकीन है तो आपकी ताकत पर, आपकी शमशीर पर। लेकिन मेवाड़ पर हमला करने का मुनासिब वक्त नहीं है ये। प्रताप ने अभी अभी मेवाड़ और मारवाड़ की जंग में इतना नाम कमाया और उस कमजर मालदेव ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम आप पर डाल दिया और आपका नाम खराब कर दिया। इसलिए सारा राजपुताना आपके खिलाफ एक हो चुका है, समझ रहे हैं आप? हो जाता है सारा राजपुताना एक, खान बाबा, तो हो जाने दीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मेवाड़ चाहिए, प्रताप का सर चाहिए। अगर सारे राजपूत मिलकर एक हमारे सामने भी खड़े रह जाए खान बाबा, तो ठीक ही, इन राजपूतों की तो नस्ल ही मिटा कर रख देंगे हम। जलाल जलाल, सियासत को आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि दुश्मन जब एक हो तो मुस्कुराकर पहले उसे बांटो और जब उसमें फूट पड़ जाए तो एक एक करके उसका शिकार करो, जानते हैं ना? और हम यही करेंगे, बस सही वक्त आने दीजिए। लेंगे हम मेवाड़, मारेंगे ना प्रताप को आराम से, लेकिन तब तक खुदा के वास्ते आप अपना ये गुस्सा थूक दीजिए। याद रखिए आलमपना, पूरे हिंदुस्तान को फतेह करने की राह में प्रताप सिर्फ एक अदना सा रोड़ा है, अदना सा रोड़ा, कभी भी मसल के रख देंगे उसको, याद रखिएगा आप। Oh.
आलम पना, कनीज आपके लिए गुलाब का शरबत लेकर आई है, नोश फरमाइए। तासीर ठंडी होती है इसकी। नहीं चाहिए हमें शरबत खा। जलाल, आप बहुत थक चुके हैं। कितने दिनों से जंग 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 किए जा रहे हैं, आराम तो मिल ही नहीं रहा है आपको। हमारे कहने से जिंदगी का लुत्फ भी उठाइए, आराम भी तो एक तरह की ग़िज़ा होती है। नहीं खान बाबा, हमें आराम की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आराम की जरूरत नहीं है ना सही जलाल, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए हसीन रक्कासाओं का रक्स तो देख लीजिए। चिराज, हमें लगता है वो माल किसी भी क्षण आ सकता है इस वक्त। जी रावत जी, रावत जी, हम उसे सामने से देखेंगे और आप बाई ओर से। ओजीराज, आपको हमारी प्रतिज्ञा का स्मरण है ना, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना रावत जी, आप हटी होते जा रहे हैं। आपके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं मौजूद, आप स्वयं भी तो। ए, आओ। कुछ चुनिंदा रक्कासाओं को फौरन शहनशाह के आराम गाह में भेजा जाए, और ख्याल रहे वो शाही तौर तरीकों से वाकिफ हों और जरा बात ऐसी हो। हुजूर, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं, हमने हरम की सभी बच्चियों को हर किस्म की तालीम दे रखी है, वे सब जानती है शहनशाह को कैसे खुश किया जाए। खामोश! तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। शहनशाह ने जो खास तौर से निशाने मुगल मंगवाया है वो कब तक पहुंचेगा? शहनशाह उसी के लिए रुके हुए हैं अब तक यहाँ। हुजूर, बस पहुंचने ही वाला है। जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है, कुछ ही देर और उलझा पाएंगे हम शहनशाह को इन दीगर बातों में। निशाने मुगल तामीर हो जाए, जहां लगना है लग जाए, और शहनशाह यहां से कूच कर जाए। कुंवर प्रताप तक ये समाचार किसने पहुंचाया कि हम अस्वस्थ हैं? उत्तर दीजिए। हमने जीजा।
चिंता हो रही थी आपकी, अचेत जो हो गई थी आप, इसलिए समय पे बता दिया कुंवर प्रताप को। आप जानती हैं ना कुंवर प्रताप को, यदि उन्हें बाद में पता चलता तो हमसे कहते कि छोटी माँ आप तो थी ना वहां पर, फिर बताया क्यों नहीं हमें। अब हमें ये तो नहीं पता था कि कुंवर प्रताप अकबर से लड़ने चले जाएंगे बिना सेना के। अच्छा हुआ जीजा, जो ये समाचार हमें कुलदेवी के मंदिर में ही मिल गया। अब माँ स्वयं सब कुछ मंगल कर देंगी। ये शहंशाह अकबर का खास सामान जा रहा है, अगर उन्हें पता चला कि उनके सामान को पहुंचने में तुम्हारी वजह से देरी हुई है तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। ऐसे नहीं मानेंगे ये बेवकूफ गांव वाले। प्रताप सिंह नाम है हमारा, जानते हैं ना आप। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो आप जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करते जाइए चुपचाप। जी हुजूर। राणा जी रुके। मामला जी, हमारी बाकी की सेना कहाँ है? उन्हें आने में समय लगेगा, पहले वो लोग एकत्रित होंगे, तैयार होंगे और फिर एक साथ कूच करेंगे। आपकी और कुंवर प्रताप की हमें चिंता हो रही थी, इसलिए हम स्वयं पहले चले आए। ठीक है। रुक जाओ सब। कौन हो तुम? मैं शहंशाह के सामान के साथ आया हूँ, इसकी हिफाजत के लिए। हमें किसी मालो असबाब के आने की कोई खास खबर नहीं मिली है, और शहंशाह का खास सामान आए उसके साथ इतने कम सिपाही। जी वो हमें किसी खतरे का अंदेशा नहीं था, इसलिए मैं कुछ चुनिंदा सिपाही ही लेकर आया हूँ। इस दरवाजे से बिना हमें बताए कोई भी सामान ना तो अंदर से बाहर आ सकता है ना बाहर से अंदर जा सकता है। पर हुजूर, ये सामान शहंशाह का है, सोच लीजिए कहीं हमें रोकना बाद में हुजूर को नागवार ना गुजरे। ठीक है, खोलो इसे। Thank you.
शहंशाह ने खास अपने हुक्म से सामान यहाँ मंगवाया है और बड़ी बेसब्री से वो इसका इंतजार कर रहे हैं। इतना जरूरी सामान आ रहा था तो बताया क्यों नहीं गया किसी को? वो इसलिए हुजूर क्योंकि हम राजपुताने में हैं और सामान है शहंशाह के हुक्म से बनवाया हुआ, खास निशान है मुगलिया सल्तनत। अब सबको बता तो सकते नहीं, अब बराए मेहरबानी जाने दीजिए हमें अंदर, वरना कहीं शहंशाह को गुस्सा आ गया तो हमारी खैर नहीं और ना ही आपकी। भगवान, हमने तो कुमकुम भी नहीं लगाया। हाँ, जब तो सदा सबसे पहले कुमकुम ही लगाती थी। भाई साहब, पूजा की पद्धति और सारे कर्म कांड छोड़िए, देवी तो माँ होती है और माँ बच्चों का भाव देखती है। माँ पुपली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ने हमें आपकी आरती सिखाने के बहुत यत्न किए, किंतु हमें धैर्य ही नहीं था, सीख ही नहीं पाए हम कुछ। किंतु हम सच्चे भाव से कह रहे, कुंवर प्रताप की रक्षा कीजिएगा माता जी। हे गिरधर गोपाल, कृपा कीजिए, यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो हम अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अल्लाह का शुक्र है, आखिर निशान आ ही गया। अब शहंशाह एक बार इस पर नजर डाल दें तो फिर हम चले आगरा। अगर जान की अमान मिले तो एक बात पूछूं। पूछो। हमने इससे पहले कभी शहंशाह को किसी चीज के लिए इस कदर बेसब्री से इंतजार करते हुए नहीं देखा। आपको नहीं लगता इतने पसंदीदा निशाने मुगलिया को हुजूर अपनी नजरों के सामने अपने हाथों से खोलना पसंद करेंगे? ठीक कह रहे हो। तो ले चलो इसे अंदर। खोलो इसे। हटाया जाए हमारे निशाने मुगलिया।
Never miss a moment of 2014 FIFA World Cup. iMe and my live sports.in, simply sportainment.